मिनट में 50 खबरें। दिल्ली में पिछले दो दिनों से जारी रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म। मंगलवार देर रात हड़ताल खत्म कर काम पर लौटे डॉक्टर। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ट्वीट कर दी जानकारी। केजरीवाल सरकार ने मंगलवार शाम को हड़ताली डॉक्टरों की मान ली थी मांगे, लेकिन सरकार से लिखित आश्वासन की मांग पर अड़े थे डॉक्टर। दिल्ली में सोमवार से हड़ताल पर थे 15,000 रेजिडेंट डॉक्टर। हड़ताल खत्म होने के बाद मरीजों ने ली राहत की सांस। एसवा लागू होने के बाद भी काम पर नहीं लौटने पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी थी जानकारी। डॉक्टरों पर कार्रवाई की कही थी बात। देखिए, बेसिकली हमारी डिमांड्स जो भी थी वो सारी पेशेंट वेलफेयर के लिए थी। हमारे भी हाथ बंद है क्योंकि हम लोगों के पास वो चीजें है ही नहीं जो बेसिक फैसिलिटीज जो हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए थी, राइट? तो हम लोगों की जो फाइट थी वो बेसिकली इसी चीज के लिए थी। आज दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया विधानसभा में पेश करेंगे आर्थिक सर्वे। कल पेश होगा दिल्ली का बजट। मंगलवार को विधानसभा में मनीष सिसोदिया ने स्वीकारा, दिल्ली में बिजली पानी की समस्या, हमारी सरकार हालात सुधारने की कोशिश कर रही है। पानी बिजली एक समस्या है और मैं कोई ऐसा नहीं कहता कि पिछले 4 महीने में हमने दिल्ली को बिजली और पानी के आधार से स्वर्ग बना के रख दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को दी चुनौती, कहा मैंने तोमर पर की कार्रवाई, अब वो भी आरोपी मंत्रियों पर करें कार्रवाई। जिन जिन मंत्रियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, जैसे सुषमा जी हैं, वसुंधरा राजे जी हैं, उन सबको मंत्रिमंडल से हटाकर और उनकी भी सबकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। ललित मोदी मामले में बीजेपी में उभरे मतभेद के सुर। सांसद आरके सिंह ने बिना नाम लिए सुषमा और वसुंधरा पर बोला हमला। कोई भी व्यक्ति किसी भगोड़े की मदद करे ये गलत, चाहे वो सुषमा स्वराज हो या कोई हो। आरके सिंह को कांग्रेस का मिला साथ। सचिन पायलट बोले पूर्व गृह सचिव जैसे विचार रखने वाले बीजेपी में कई नेता। कानून से भागे हुए भगोड़े की मदद जो करता है वो कानूनन जुर्म है, और आज भाजपा के सांसद ने कहा है, मैं समझता हूँ धीरे धीरे और लोग इस बात को बोलेंगे। ललित मोदी और मुंबई पुलिस के कमिश्नर राकेश मारिया की मुलाकात पर महाराष्ट्र के गृह सचिव ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट, अब सीएम के फैसले का इंतजार। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की पढ़ाई को लेकर उठे विवाद पर आज दिल्ली की अदालत सुना सकती है फैसला। स्मृति ईरानी पर हलफनामे में शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप। स्मृति ईरानी डिग्री मामले में आगे सुनवाई करे या नहीं, इस पर पटियाला हाउस कोर्ट आज करेगा फैसला। याचिकाकर्ता ने स्मृति ईरानी पर नामांकन भरते समय गलत जानकारी देने का लगाया है आरोप। आज सुप्रीम कोर्ट में जयललिता के खिलाफ कर्नाटक सरकार की याचिका पर हो सकती है सुनवाई। जयललिता को बरी करने के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ डाली गई है याचिका। आज कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की कमेटी की बैठक, संसद के मॉनसून सत्र की तारीख को लेकर होगा फैसला। सूत्रों के मुताबिक 20 जुलाई से शुरू हो सकता है संसद का मॉनसून सत्र। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की, आर्थिक पैकेज की भी की मांग। महंगाई के दौर में भी सांसदों की मौत, संसद की कैंटीन में बाजार से करीब 90% कम कीमत पर मिलता है खाना, आरटीआई से हुआ खुलासा। 1,00,000 रुपए महीने से ज्यादा पाने वाले सांसद 20 रुपए में मटन और 25 रुपए में मछली की उड़ाते हैं दावत। 6 रुपए में मसाला डोसा, सांसदों को खाने पर दी जा रही है छूट पर 5 साल में 60 करोड़ का खर्च। 4 रुपए में बेचे जाने वाला स्ट्यू वेजिटेबल्स, उसका सिर्फ रॉ मटेरियल कॉस्ट 41.25 रुपए है। 21 जून को योग दिवस पर योग करते हुए सो गए थे रेल मंत्री सुरेश प्रभु, वीडियो हुआ वायरल। योग दिवस पर केरल के कोची में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गए थे सुरेश प्रभु, आसन करते वक्त सो गए थे रेल मंत्री।
मुंबई में जहरीली शराब पीकर 100 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाला मुख्य आरोपी अतीक इलियास मंसूर दिल्ली से गिरफ्तार, ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले जाया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी, 3 महीने में आएगी रिपोर्ट। बिहार के आरा कोर्ट ब्लास्ट धमाके का आरोपी लंबू शर्मा गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार, 23 जनवरी को हुआ था धमाका। लंबू शर्मा ने पूछताछ में किया खुलासा, बिहार के कई नेताओं ने की भगाने में मदद, सूत्रों के हवाले से खबर। भीड़ हत्याकांड पर पटना पुलिस का बड़ा खुलासा, जेडी विधायक अनंत सिंह ने दी थी हत्या की सुपारी, विधायक आवास में गाड़ी से भरकर भेजे गए थे अपराधी। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों ने रेल पटरी को उड़ाया, पलामू एक्सप्रेस के 3 डब्बे पटरी से उतरे, हादसे में कोई यात्री घायल है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक छात्रा ने पुल से नदी में लगाई छलांग, खुदकुशी का वीडियो हुआ वायरल। पुणे में मिड डे मील खाने के बाद 30 से ज्यादा बच्चे बीमार, पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, मयूर विहार में महिला पर फायरिंग कर चेन लूटकर फरार हुए बदमाश, भागते समय बदमाशों ने की फायरिंग, बाल बाल बची महिला। नई दिल्ली स्टेशन पर 17 किलो सोने के साथ पकड़ा गया एक शख्स, गिरफ्तार शख्स भूटान का रहने वाला, राजधानी एक्सप्रेस में बेल्ट में छुपाकर ला रहा था सोना। आगरा में एक वकील के घर में घुसकर उसकी पत्नी और बेटी का कत्ल, हत्यारों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्यार में धोखा खाने के बाद एक लड़की ने की खुदकुशी, घर वालों ने शव लेने से किया इनकार, सहेली ने किया अंतिम संस्कार। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में रंगदारी नहीं देने पर डॉक्टर और उसकी पत्नी की जमकर पिटाई, तृणमूल के लोगों पर लगा आरोप। राजस्थान के नागौर में पुलिस चौकी में दलित महिला से गैंगरेप, ग्रामीणों के विरोध के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के मैनपुरी में गैंगरेप की शिकार एक छात्रा ने की खुदकुशी की कोशिश, अस्पताल में भर्ती कराया गया, पुलिस का गैंगरेप की घटना से इनकार। आज ढाका में भारत और बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी वनडे मुकाबला, सीरीज गंवा चुकी टीम इंडिया के सामने लाज बचाने की चुनौती। आखिरी वनडे से पहले टीम इंडिया ने नेट पर बहाया जमकर पसीना, धोनी ने लंबे समय तक नेट पर की बल्लेबाजी। हार के बीच कप्तान धोनी के बचाव में उतरे अश्विन, कहा धोनी के लिए मैदान में जान लड़ा देंगे। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर बन रही फिल्म के लिए तैयारियों में जुटे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, जमशेदपुर में कीनन स्टेडियम में का भी किया दौरा। फोक्सवैगन सेडान कार वेंटो का नया मॉडल लॉन्च, दिल्ली में बेसिक मॉडल का एक शोरूम प्राइस 7.85 लाख रुपए। पाकिस्तान से रिहा हुए 113 मछुआरे गुजरात में अपने घर पहुंचे, घर वालों के चेहरों पर लौटी खुशी। अमेरिका के इलिनॉय में तूफान से कई घर तबाह, स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक तूफान में कई लोगों के घायल होने की भी खबर। अमेरिकी पुलिस ने कैरोलिना में गिरफ्तार गनमैन का जारी किया वीडियो, 14 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस की पकड़ में आया था। ग्रीस में सरकारी खर्चे में कटौती का जमकर विरोध, सड़क पर उतरकर लोगों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। फ्रांस से बंदरगाह का रास्ता रोक कर रहे 400 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ भगाया, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे लोग।